आज मैं बनाने वाला हूँ तंदूरी चिकन, और तंदूरी चिकन मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं पूरी रेसिपी और कैसे बनाया जाता है ये तंदूरी चिकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास सबसे पहले हैं कुछ मसाले हैं। पहले मैं बता दूं कौन कौन से मसाले हैं। मिर्च पाउडर, ये काला नमक, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया है, ये गरम मसाला है, लेकिन हम इसको पीस लेंगे। और ये खाली छोड़ दिया है मैंने नींबू के लिए, तो नींबू भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो चिकन है वो 4 टुकड़ों में कटा हुआ है। चिकन को पहले थोड़ा सा कट लगा लेते हैं सभी में। ये कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो मसाला है वो उसके अंदर तक जाएगा। उसके बाद हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला मिलाकर चिकन में डालते हैं। ये थोड़ा सा काला नमक, हमें नमक इसमें लगा रहे हैं, काला नमक है ना, थोड़ा सा वाइट नमक, वाइट सॉल्ट है ये। अब इसी में नींबू भी डाल देते हैं, लेमन जूस और डाल लेते हैं फिर से। ये चिकन रेडी हो चुका है, इसको मैरिनेट कर लिया हमने। अब इसको हम लोग इसका मसाला तैयार करते हैं। अब इसको चिकन में फिर से लगाते हैं। तो ये हमने सारा मसाला इसमें लगा लिया है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हम इसे बाहर निकालेंगे, जिसमें सारा मसाला धीरे धीरे इसके अंदर आ जाए और सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं फ्रिज के अंदर। ओके, तो अब थोड़ी सी आग इसमें भड़काते हैं हम लोग, थोड़ा सा अंगारा बनाते हैं, क्योंकि अंगारे पे हम इसको रोस्ट करेंगे। अब मसाला डालने की बारी। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर जिसे लोग टर्मरिक भी कहते हैं। उसके बाद डालेंगे काला नमक। काला नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई धनिया। धनिया थोड़ी सी आप भून भी सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लेमन जूस की। लेमन जूस इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालें। अब ये थोड़ा सा चाट मसाला है, मैंने ये चाट मसाला लिया है, आप कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं। और ये चाट मसाला ऊपर से डाल दिया हमने। और ये थोड़ा सा कलर, अब इसे हम अच्छी तरीके से पूरे चिकन में लगा लेंगे। अरारोट मिलाने के बाद अच्छी तरह फैला लें। अब सीख में लगाते हैं चिकन को और इसे आग पे रखते हैं। बस फिर क्या, हमारा तंदूरी चिकन तैयार। भाई ये चिकन हो गया रेडी, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत ही गर्म है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो इसको मैं 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। और ये प्याज बिल्कुल जल्दी तरीके है, और 1 रेटिंग में इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर सकते थे वो बहुत अच्छा होता। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर 1 इंग्रेडिएंट्स और मिल जाता तो मैं 5 में से 5 इसको रेटिंग देता। फिलहाल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक लिए बने रहिए। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद हो तो कॉमेंट करके मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।